और आइए अब आपको आंकड़ों के जरिए ही समझाते हैं कि 23 अप्रैल को किस राज्य में कैसी स्थिति है, कोरोना से सबसे ज्यादा खराब हालात किस राज्य के हैं। आइए आपको दिखाते हैं 23 अप्रैल को राज्यों में संक्रमण दर। दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ये वो राज्य हैं जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। देखिए, दिल्ली में 75,000 टेस्ट हुए 23 अप्रैल को और 24,300 से ज्यादा लोग पॉजिटिव आए, यानी 32% 32% के आसपास, यानी हर तीन में से एक शख्स पॉजिटिव निकल रहा है टेस्ट कराने वाला दिल्ली में। इसके बाद छत्तीसगढ़ आइए, 57,000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट हुए और 17,397 लोग यहां पॉजिटिव आए, तो यहां भी दिल्ली के आसपास ही पॉजिटिविटी रेट है। यहां भी आप देख सकते हैं 3-3.5 लोगों में एक जो जांच कराते हैं उनमें से एक शख्स पॉजिटिव निकल रहा है। अब 2,80,000 लोगों ने महाराष्ट्र में टेस्ट कराया और यहां 66,836 लोग पॉजिटिव आए, तो यहां दिल्ली और छत्तीसगढ़ से तो पॉजिटिविटी रेट कम है लेकिन यह भी बहुत खतरनाक है। 24% लोग यहां भी पॉजिटिव होते हैं टेस्ट कराने वालों में, ये जानकारी इन आंकड़ों में देखें तो सामने आ रही है। केरल में 1,30,000 टेस्ट हुए, 28,447 लोग पॉजिटिव निकले, यहाँ की संक्रमण दर 22% है। फिर उत्तर प्रदेश, 2,30,000 लोगों ने टेस्ट कराया, 36,000 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव, यहाँ की संक्रमण दर 16% है। कर्नाटक, 1,80,000 लोग यहाँ टेस्ट कराते हैं, उन 27,000 के आसपास लोग यहाँ पॉजिटिव निकलते हैं, इसकी यहाँ की संक्रमण दर 15%। और ICMR की माने, केंद्र सरकार की माने, तो कोरोना की संक्रमण दर 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तब जाकर हम ये कह सकते हैं कि हालात काबू में हैं। तो आप सोचिए, जो हमने आपको आंकड़े दिखाए, इन कई गुना ज़्यादा संक्रमण दर कई राज्यों में है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।